मोदी जी ने फ्री कर रखा है, पूरे देश में बंट रहा है, वो कैंसर है। वो कहते हैं ये गंदगी कहाँ से लाओ, कचरा वापस ले जाओ, मैं पैसे दे के जहर मेरे खेत में क्यों डालूं। मेरा नाम शिव प्रकाश पादू है। शिव प्रकाश जी पादू है। मैं तेरा चैनल सर करूँ, तेरा वीडियो वगैरह में देखते हूँ। अच्छा, बाद में अठे बेथीन कैंडी में स्वामी जी है, बद्री जी। अच्छा, बहु पत्तो करियो बहु भाई बैठे लूडन सर रहे। अच्छा, और फिर आज हम लोग यहाँ पर आ गए। आप क्या करते हैं? जैविक खेती करते हैं। तो हमने सोचा रुक के चलते हैं, जानकारी लेंगे जैविक खेती की और आपको बता देंगे। वर्ष 2017-18 से मेरे 40 बीघा जमीन है। अच्छा, जिसमें संपूर्ण जैविक खेती कर रहा हूँ। संपूर्ण जैविक खेती जी। सप्रे सप्रे यूरिया बस वो जो करता हूँ वो घर पे ही तैयार करता हूँ। अच्छा, जो भी है वो अपनी खुद की है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, गो आधारित जैविक खेती। अच्छा, इसमें जैसे हरी खाद डेंसा वगैरह है, गोबर की खाद है, बर्मी कंपोस्ट है, ये अपने जो गोबर गैस प्लांट लगा रखा है, बायोगैस उसकी सैलरी है, और वेस्ट डिकम्पोजर, जीवामृत, घन जीवामृत, पत्थर, वो सारा ये घर से ही मैं तैयार करता हूँ। अच्छा, चलो देखता देखता कर। और जैविक में एक सीधा सा फार्मूला है, अपने फसलें उगाते हैं, फसलों को पशु खाते हैं। पशु खाते हैं। हाँ, जिस चीज़ को पशु नहीं खाते हैं हाँ। उनकी पशु खाते हैं, उन पर स्प्रे होती है। जैसे आक है, नीम है, धतूरा है, हाँ। यानी सड़क के किनारे ये पशु किनारे नहीं खाते हैं। बहुत बहुत पेड़, बहुत ऐसे पौधे खड़े हैं उगे हुए, उगे खड़े हैं। हाँ, जंगली टाइप के, जिनको पशु नहीं खाता, नहीं खाता है। उनको काट के ला के ड्रम में डाल दो। हाँ। और उसकी वो स्प्रे तैयार हो जाएगी, 8-10 दिन में सड़के वो तैयार हो जाएगा। अच्छा, उनकी स्प्रे आप करते हो? हाँ, उनकी जो फसल जिन पे पशु खाते हैं। हाँ। उन हम जो अच्छा, पशु उनके खाते हैं। लिए। हाँ, उनके लिए उनकी उन पे स्प्रे करते हैं। तो जैविक बाकी देसी गाय का जो देसी गाय है उसके 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं। और जैसे ताजा करती है हाँ तुरंत जी, ही ताजा ताजा उसमें 1 ग्राम गोबर में ताजा 300 300 करोड़ बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवाणु बायोगैस लगाया हुआ है उसमें यूज करके। उस सैलरी को पानी के साथ में दो आप, अच्छा, फिर उसका पूरा रिजल्ट मिलेगा। या फिर वर्मी कंपोस्ट तैयार करो, या हुँ। जैसे ताजा गोबर ही मान ली घोल बना करके और पानी के साथ में चला दो। गोमूत्र जितना ही पुराना होगा उतना ही बढ़िया होगा, अच्छा, और गोबर है वो जितना ताजा होगा हुँ। उतना ही अच्छा होगा। उनमें भी एक तैयार करने की विधि है, जैसे खड्डा बना के अपने खड्डे में डाल दो गोबर, गोबर खड्डे में डाल दो, गोबर घास फूस कचरा जो भी उसमें डाल दो, और फिर उसमें अपने पानी से भर दो, और फिर ऊपर से उसको मिट्टी से लीप करके छोड़ दो। 3 महीने बाद वो सड़के तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे अमूमन गोबर डालते हैं ना, जो गोबर की सूखी खाद ला के डालते हैं, फिर फसल बीजते हैं, और फिर कहते हैं कि फसल किस ज्यादा करे, गोबर वाली खाद ना खुड़िए जद करे, खाद ना खुड़िए जद कौन करे। तो वो गोबर कच्चा है, सड़ा हुआ नहीं है, उसको सड़ने के लिए ही तो पानी चाहिए। अच्छा, घास फूस कचरा गोबर भी पूरी तरह से वो तैयार नहीं, तैयार नहीं है, तैयार नहीं है, वो अपने डाल दिया तो वो सड़ेगा सड़ेगा, तो वो पानी तो वो खुद उसको चाहिए। वो काम यहाँ हो रहा है पहले, छाड़ के और उसमें डाल दो, फिर पानी की उतनी होगी। अब मेरे पड़ोसियों के 4 पानियों से सरसों होती है, रासायनिक करते हैं, मेरे 2 पानी से हो जाती है, उनके 8 पानी से गेहूँ पकती है, मेरे 4 पानी से गेहूँ पक जाती है। ये जो अपने जो जैसे केले के छिलके हैं, फ्रूट्स के छिलके वगैरह, सेब के हैं, और ये देखो पपीते के, ये देखो है ना, ये सारे अपने क्या वेस्टेज में बाहर फेंकते हैं ना, ये बेल पत्र के हैं, तो ये सारे इसमें डाल दिए। अब इनका ये अर्क निकल गया है ना, तो इसकी स्प्रे वगैरह और इसको डीकम्पोजर करके और हम सिंचाई पानी के साथ में फसल में देते हैं। अब ये जो 1000 लीटर का टैंक है ना, ये 1000 लीटर की टंकी है, ये लस्सी की भरी हुई है, 1000 लीटर लस्सी है। अच्छा, अपने गायों भैंसों की जो लस्सी निकालते हैं वो सारी इसी में डालते हैं ये। अच्छा, और ये 2-2.5 साल पुरानी है। अच्छा, लस्सी 2-2.5 साल पुरानी है। हाँ जी, इस लस्सी तो ये इसकी स्प्रे है ना, अब फसल पर तो नींबू पानी, चलो नींबू पानी बनाओ, बाद में, अभी नहीं, बाद में। तो इसकी अपने फसल पे स्प्रे करते हैं ना, तो मच्छर वगैरह हैं जो ये अपने सुंडी वगैरह हैं, वो फसल में नहीं आते। 1-2 स्प्रे नीम की निम्बोली है, या अपने जो नीम ऑयल की स्प्रे कर देते हैं, उसमें पूरे पौधे में फसल में खारापन आ जाता है, तो बीमारी बहुत कम आती है। इसमें ये 500 लीटर है, इसमें भी लस्सी भरी हुई है। अच्छा, इसके अंदर तांबा डाला हुआ कॉपर। अच्छा, ये फंगीसाइड है, फंगस किसी भी प्रकार की है ना, इसकी एक स्प्रे निकाल दो, फंगस नहीं रहेगी। आजकल तो हर एक फसल में फंगस आ गई, फंगस आती है। तो क्या है, अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खादों का और स्प्रे का जो हम बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, हर्बिसाइड डाल रहे हैं, स्प्रे घास जलाने वाली, और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो उसकी वजह से जमीन में फंगस तैयार हो गया। जैसे ही नमी होती है, पानी लगाते हैं, नमी के संपर्क में आते वो तेजी से फैलता है, और उसे फसलें सूखने लग जाती है। अगर उनको सिर्फ प्योर गोमूत्र है, उसमें प्योर छाछ है, हाँ बिल्कुल, अगर मैं उनको खोलूंगा तो वो पुराना है ना, वो बदबू बहुत ज्यादा मारता है। हाँ, एक बार तो सूंघा होते हैं जी, तो ज्यादा बदबू मारा है, कोई सूंघा है? मैं तो रात दिन देखो गया, मैं तो धंधू नहीं माने, तो इसको कौन लागे, पर देखो आवे इतनी पुरानी छाछ।
ये देखो ये है ना तो अलग होगी, पानी डाले होते हैं अंदर। नहीं, पानी एक ग्राम ही नहीं है, एक बूंद ही नहीं है। अब जो छाछ थी ना उसका तो ये देखो आप, ये छाछ है। हाँ ये छाछ, ये बन गए अब, ये एकदम एकदम प्योर पानी पानी टाइप है ना, पानी टाइप लग रहा है। नीचे भी जमी नहीं हो गया तो नीचे हाँ जी तो होगी। नहीं ये नहीं, इसमें जो श्राफ है ना इन्हें छान गए वो ड्रम के में 10 लीटर डाल देंगे, 20 लीटर डाल देंगे, बहुत है। अजमेरिंग स्प्रे कर दो 5 लीटर के ड्रम में, इसके अंदर ऊपर बात तांबा डाला हुआ है, बाकी ये बस्सी ये फंगस के लिए, फंगीसाइड के लिए काली काली है। हाँ जी इसमें नीम की निम्बूड़ी है, ये स्प्रे तैयार करते हैं नीम की कूट के। ये तो सूखी है तो सारी सूखी है, इसमें गिल्ला नहीं है ना, गिल्ली नहीं है, ये सूखी डाली हुई है। इनको जैसे हमारे को तैयार करनी होगी ना तो इनमें बाल्टी दो बाल्टी जितनी जरूरत है उतनी निकाल के और इनको कूट के और डाल के और ड्रम में तैयार कर लेंगे। इसमें गो मूत्र है और ये वेस्ट डीकम्पोजर है, इसमें तैयार किया हुआ। इसमें 100 लीटर पानी में 1 किलो गुड़ डलता है, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया है इसमें। वो एक डॉक्टर कृष्ण चंद्र है गाजियाबाद, हाँ वो अपने गाजियाबाद भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में जैविक सेल के वो डायरेक्टर थे, रिटायरमेंट हो गए। तो उन्होंने ये गोमूत्र और गाय के देसी गाय के गोबर से बैक्टीरिया निकाल के और OWDC ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर तैयार किया है। वो जैसे अपने जमाउन डालते हैं ना दूध में एक बार, वैसे वो 4 बूंद डाल दो उसे तैयार हो जाएगा, बाद में बार बार डालने की जरूरत नहीं है। उसमें आप यूज कर रहे हो उसमें से आप 1-2 लीटर बचा लो, फिर पानी भर दो, फिर इसमें तैयार हो जाएगा। तैयार होता है ना तो उसमें ऐसे आवाज आने लग जाती है सूं सूं की, और जैसे सुई जैसे घड़ी की सुई घूमती है वैसे उसको दिन में लकड़ी में 1-2 बार घुमाते हैं ना, उसमें झाग बनने लग जाते हैं। और जब वो एकदम तैयार हो जाएगा तो झाग बनना ही बंद हो जाएगा और आवाज आनी बंद हो जाएगी, तो उसमें मतलब वो तैयार हो गया बिल्कुल। अच्छा अभी ये देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, उन पत्थरों का रस है, मीके सीड है, ये सारा। हाँ जी हाँ जी, ये क्या है कि जो अपने थेपड़ी होती है ना पुरानी, ये इनका बनता है, ये डाली हुई इसमें पुरानी थेपड़ी डाल। हाँ जी हाँ जी, ये OWDC वेस्ट डिकम्पोजर 2 किलो गुड़ डाल के इसमें और वो तैयार हो जाता है। उसके अंदर पुरानी थेपड़ी 2-3 साल जितनी ज्यादा पुरानी होगी ना उतना ही ज्यादा। और ये बेड प्लांटर मशीन है, नालियां बना देगा, नालियां दोनों साइडों में और बीच में ये मट्टी यहाँ से खोदेगा, ये बीच में मट्टी आ जाएगी। अच्छा। तो ये यहाँ से इधर आ गई, उधर से यहाँ आ गई और ये है, ये उस मट्टी को एकदम बेड जमा देगा। अच्छा। और पीछे ओडिक से 5 लगी हुई है उनसे विजयी हो जाएगी। अच्छी फिर सब सो इधर आ। ये जो पहले है ना अपने खेती होती थी ऊँटों से और बल्दों से, तो जमीन जमती कोनी नीचे, अब ट्रैक्टर और कंप्यूटर करावा और घुमा घुमा के जमीन नीचे पत्थर बना दी, तो 10-11 इंच या 1 फुट नीचे कोई हड़पोन लगे तो पलग लगवाना तो भाई फुट ऊपर ऊपर रह जाए, तो 1 फुट नीचे 7-8 इंच जमीन इतनी ज्यादा पक्की होगी कि जो कोई खूंटो पट्टन खातर सबड़ू पट्टन तो ये किचरा से उतरे भी नीचे फिर पोली आ जाए, वो आज परत बनी हुई है बिना तोड़ने वास्ते, वो सब सोई धरा है। वो कितने फीट नीचे है? तो 3 फीट 32 इंच है और फाड़ी फूड़ी करके लगभग 3 फीट के नजदीक पूरा यानी फ्रेम तक बैठे मैं पूरा। तो वो जो पूरे खेत में लगाया जाए मान लो ये खेत में, तो फिर तो टाइम भी बहुत लगता है, टाइम भी बहुत लगता है, टाइम बहुत कौन लगे साहब, क्या ये दोनों टायरों के बीच में चलता है। अच्छा, तो जैसे ये यहाँ चल गया, यहाँ निकल गया, अगली बारी मोड़ के लिया से ना वो टायर है ना बार लो इन टायर पर अंदर वाला टायर आज इसी चलेगो बिचिया 3-3.5 फुट की जगह रहेगी, एक करियां चला दियो दोबारा यहाँ आडो चलावा ना बर्फी वाला खांचा सकट जाएगा और दूसरे गेड़े में सारो टूट जाएगा। और अब तो मैं एक बार ही मारियो खाली में, पहले 2 बार मैं लगा दियो तो इसमें पानी इतनी तो पानी बैठे जमीन में। ओए थे स्पेशल बनवा के ले। हां जी वो पटियाला हूं ना बम बना के ले मैं। ये हवन का पेड़। अच्छा हवन, हवन की लकड़ी। हाँ जैसे पहले साधु संत जंगलों में अभी रामदेव अब बेचते हैं हवन, हवन एक करते थे ना तो सूखी लकड़ी से लकड़ी को घर्षण करने से अग्नि उत्पन्न होती है। जंगलों में भी आग लगती है तो या तो बांस से लगेगा तो लगेगी, या हवन का पेड़ होगा, पेड़ सुखी इसकी डाली से डाली घसेगी ना तो आग पकड़ लेता है। अब सुखी आपके पास होगी? नहीं सुखी नहीं है, वो बीच में बेल पत्र का है और ये है अपने उसका पलाश का। अच्छा, ये ब्राह्मण लोग जिन्हें उदाहरण करते हैं इसकी लकड़ी काम में लेते हैं। ये पौधा है ना, ये लाल चंदन है। अच्छा, लाल चंदन, लाल चंदन है। और ये जो पौधा है ना ये रुद्राक्ष का पौधा है। अच्छा, वो तो बहुत टाइम बनेगा, तो चंदन तो 30 साल लग जाएगा। 15 साल में। ये सफेद चंदन है, ये सफेद चंदन है, तिलक निकलता है ना। ये सफेद, ये लेके कहाँ से है आप? ये भी वो भी है ना, ये अलग अलग जाम जिसको होता है ना वहाँ होती है वो देख ले मिल जाता है। ये कल्प वृक्ष का पौधा है। अच्छा, और ये हार श्रृंगार का पौधा है।
ये एक औषधीय पौधा है। अब इसका कोई फूल नहीं है ना, रात को 9 बजे आप देखना सफेद फूल सेंट जैसी खुशबू ये भर जाएगा फूलों से, भर जाएगा हाँ, और सुबह सूरज उगते ही ये सारे के सारे फूल नीचे गिर जाएंगे। हाँ अभी तो कोई खुशबू नहीं है। हाँ ये रात को 9 बजे अभी स्टार्ट हो गए थोड़े थोड़े। हाँ हाँ केंचुआ खाद को तो रोज पानी वानी डालना पड़ता है, केंचुआ की संख्या बढ़ाने वास्ते है ना, जो दाले जो भी है दाले में प्रोटीन होता है, कोई दाल है माने पीस के बंगवाटो सोई ऊपर बुरका दो गुड़ बह के गुड़ को पानी छिड़क दो लस्सी छिड़क दो खूब तेजी बढ़े। तो भाई हम लोग ऐसे खेत में घूम घूम के इनके जितने भी पेड़ पौधे हैं सब बता रहे हैं, चीकू से लेके आम और वो नहर के पानी की है वो नहर ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जो बरसात का पानी है ना पीने में 10 साल हो गए बरसात का पानी यूज करते हैं। अच्छा ऊपर अलग टैंक नहर वाला नहीं लेते? हाँ जी अलग ही, नीचे टोंटी लगी हुई है मटके उससे ही भरते हैं। ये यहाँ वाल लगा हुआ है इससे पानी पहले चलता है ना तो 10 मिनट खेत में चला देते हैं बाद में डीपिंग चलना। हाँ जी देसी तरीके से खूब सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, पूरी खेती करते हैं। CVS 33 अनंत। हाँ। और ये एक बार बोने के बाद में 3 साल बीजना नहीं पड़ता। आपको कितने साल हो गए बोए हुए? ये दूसरा साल है। कुछ भी नहीं किया, एक साल से काट रहे हो? नहीं कुछ नहीं, ये गायों के लिए, गायों के लिए चारा है। जबरदस्त है। हाँ और एकदम इनकी जगह एकदम बारीक है इनकी डोकी, कुत्र हुए जहाँ जबी हुए भी इतनी बारीक। एक बार 3 साल तो गन्ने ही हुए लगभग फसल नहीं, जो गैस है बायोगैस गोबर गैस प्लांट लगा हुआ है, गोबर डालने वाला अंदर है सिस्टम, यहाँ से ये बाहर जो निकलता ना गोबर सेंदरी ये इधर निकल रही है। इस हलरिन ने आपकी यहाँ यूज ले तरीको बताओ? अपना एक तो बर्मी कंपोस्ट में यूज लिया इन्हें, बर्मी कंपोस्ट में, दूसरो गोबर की अपना खाद बनावा तो भी गोबर ने अपने 7-8 दिन तो छाया में रेर गेर ऊपर पानी छिड़कना पड़ेगा और ऊपर बोरी बारी बह के गेरो, जब भी अंदर वह मिथाइल गैस पूरी निकलेगी, गोबर ठंड हो गए जब केंचुआ छोड़ो नहीं तो वह मर जाएगा छोड़ोगा तो मैं गैस निकलूड़ी एकदम ठंडी अच्छा थे निकलती आज बटला में गेर दू गेर के मैं केंचुआ छोड़ दू केंचुआ को मेरे नहीं निकलती ठंडी हुए ठीक है। और पेड़ में भी लगा दें खेत में भी गेर दें तो काम ही है बिल्कुल, बिंग अलावा जिया बिम बनावा जो ठीक है, बिंग अलावा इन आप काम में किया लेवा जिया केंचुआ खाद बिम में नहीं लेवा तो इन्हें आप खेत में गेर सीधी खेत में आप तो फसल को नहीं या फसल होगी ना ज्यादा इन्हें ले जाएगा आप फसल में पानी के साथ भी चला सका। अच्छा पशुओं के लिए से पूरा पक्का बना रखा है अपने आप ही तो को नहीं है थोड़ा सो नीचे सरका होते हैं गोमूत्र तो अपने आप ही होता है गोबर है तो उठा के भी मैं डाल दिया डाल गया पानी गिर गया वो हेडल सर वो बनवाना तो लिक्विड हो गया। अच्छा जैसे मूत्र तो अपने आप आता है इधर और गोबर आप यहाँ डाल देते हो पानी गिर गया घुमाऊंगा आता हूँ जो थे उसके बाद में उधर चला जाएगा लिक्विड होकर सीधा ही तो गैस कैसे बनेगी बीच में है कुछ गैस गैस तो पड़ी पड़ी बन जाएगी तो भी सलरिन से बाहर किया निकल बाहर ऑटोमेटिक ही अब आप गैस यूज को नहीं करना आग्रह बंद कर दियो चूल्हो बंद कर दियो ना अंदर गैस बनेगी गैस बनेगी ना गैस के ऊपर नीचे दाब लागेगी ना बिना बाहर फेंक देगी वो बाहर चालनी चालू हो जाएगी अच्छा निकलनी शुरू हो जाएगी गैस की दाब बढ़ना। इन तो मैं फुहारा मां बहुत को लागे पंप फुहारा में निकल दी क्यों माँ तो की हो गई अब थे जी कितना है थार पशु चार पशु बंग भी बिता गोबर जमींदार किसान माल लेके जावे बाणियों भी रेट तय करे अगर थे जेवी करने लाग रहे हो लोगों थारे विश्वास है थारे पर यार आदमी उसे ये बिल्कुल जेवी करने लाग रहे हो तो लोग किसान करेगो थे किसान तय करेगो। तो सरसों जैसे बोते हैं खेत के अंदर जैविक तरीके से तो एक बीघा में कितनी होती है? हमारे बीघा होता है 165 फीट बाई 165 फीट वही हमारे वही अपने है तो 5 कनाल का तो, हाँ तो उसमें 5 कनाल का तो उसमें एक बीघा में कितनी होती है? 6-6.5 क्विंटल अभी हो रही है। हाँ जी और शुरुआत में कितनी है? शुरुआत में 1.5 क्विंटल 1.5 क्विंटल जो शुरुआत की ना जैविक खेती 1.5 क्विंटल हुई 1.5 क्विंटल अगले साल 4 क्विंटल फिर 6 क्विंटल फिर 6 क्विंटल ये तो जबरदस्त है मतलब इतनी तो वो भी नहीं लेते जो जहर डालते हैं। गेहूं है वो पहले साल 3 क्विंटल हाँ। अगले साल 6 क्विंटल बीघा अब 9-10 क्विंटल बीघा 10 क्विंटल तक हो जाए 9-10 क्विंटल बीघे। अच्छा चना है यही 4-5 क्विंटल बीघा 4-5 क्विंटल बीघा और ये तो क्विंटल में आप फर्क मत समझो क्विंटल में मान लो वो 5 निकाल ली इन्होंने 6 निकाल ली ज्यादा नहीं है पर भाव में डबल है। हाँ भाव में बहुत ज्यादा फर्क रह जाता है। मैं गेहूं है वो मेरे 5000 रुपए क्विंटल 5000 घर से ले जाते हैं। पीछे कृषि मंत्री का शिवराज सिंह जी का अभियान आया था वो कह रहे थे भी भारत सरकार विचार कर रही है कि ऑर्गेनिक्स जो उत्पादन कर रहे हैं उनसे ज्यादा खरीदने के लिए 7000 रुपए पर क्विंटल खरीदेंगे। अच्छा सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है। प्रमोट कर रही है। अब यूरिया का एक बैग है वो अपने 450 मिल रहा है
और अगर सब्सिडी सरकार आज हटा दे तो 1800 रुपए का बैग है, बताओ 1800 रुपए में कौन ले जाके डालेगा? अच्छा इसमें आपका खर्चा कितना आता है जो अभी आपने? इसमें मेहनत है, खर्चा नहीं है, खर्चा नहीं है, चीजें सारी घर की, गाय के गोबर की, सारी यही है। और जो डीएपी का थैला है वो 1350 बैग आ रहा है, अगर सरकार सब्सिडी हटा दे तो वो 4800 रुपए का बैग है, बताओ कौन ले जाके डालेगा? 5000 का वो बैग ले जाके डालेगा किसान? पहले हरित क्रांति के नाम पे उस समय समय की मजबूरी थी, मजबूरी थी हरित क्रांति जल्दी करने की, अपने जो सूरतगढ़ बड़ा फार्म है जैसर, ऐसे भारत सरकार ने रशिया के सहयोग से 250 फार्म खोले थे भारत में, और रशिया ने बेलारूसी ट्रैक्टर दिए, किसानों ने मेहनत की और उन्होंने वहां से वो रासायनिक या केमिकल वगैरह दिया, खाद वगैरह उपलब्ध कराई खादे, और यहाँ का किसान उस समय तैयार नहीं था वो डालने के लिए, उसकी मानसिकता ये थी कि मैं पैसे दे के जहर मेरे खेत में क्यों डालूं, क्यों डालूं, पहले तो ये मानसिकता थी। फिर उन्होंने कृषि पर्यवेक्षक नियुक्त किए, उन्होंने जगह जगह किसानों की संगोष्ठियां की, बताया समझाया, आपके पास है कि क्यारे में डाल के बताया कि ये हमारे पास डाल रहे हैं, आप देखना जो नशा नहीं खाता वो, उसको तो दो दाने अगर जर्दे के दे दे उसे चकरा जाता है, तो डाला तो एकदम उसे एकदम फसल एकदम उठाव किया, तो देख के यार ये तो चीज तो बहुत तगड़ी है, उसके तो उतना हो गया उतना हो गया, धीरे धीरे किसान को उस ट्रैक पे ले आए। अब हालात ये है कि किसान वापस उस ट्रैक पे आने को तैयार नहीं है, वो कह रहे ना खाद वगैरह के हुए क्यों बोल रहे, उस पे आने पे फिर अचानक से डाउन हो जाएगा। तो यार जो नाना प्रकार की बीमारियां फैल रही है ना, कैंसर वगैरह, और इसमें मूल में यही है, और ये पीछे पीछे जो किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, उसमें सबसे ज्यादा किसान पंजाब के सरदार थे, वो क्यों थे? उनको पता है कि मोदी प्राइवेट सेक्टर खोल रहा है, और प्राइवेट कंपनी आने के बाद में मशीनें लग जाएंगी, वो जेर की मात्रा के हिसाब से भाव तय करेगी, तो अपने वाला तो कोई खरीदेगा ही नहीं, तभी वो बार बार कह रहे हैं एमएसपी की गारंटी दो, एमएसपी की गारंटी दो। अरे एमएसपी गारंटी की तो जरूरत नहीं है आपके पास, मगर चीज है तो डबल रेट में घर से ले जाएंगे। मेरे पास मूंग में तो 1000 पंखा लगा के घर ले आया, वो इस गैरेज में पड़ा है, यहाँ से आके घर से ले जाते हैं। वो एमएसपी गारंटी इसलिए कह रहे हैं भाई, उनको पता है कि हमारे वाला कहीं टिकेगा नहीं मार्केट में, तो पहले सरसों का मोटा दाना और काली ज्यादा होती थी ना, उसका रेट तेज लगता था, आज लेब में डलते हैं तेल की मात्रा के हिसाब से भाव लगता है, सही चीज का पैसा आज मिल रहा है उसको, सरसों चाहे पीली है, जार बरगी है, चाहे माड़ी, लेकिन अगर तेल की मात्रा उसमें 43% है ना, तो वो तेज लगेगी दूसरी से। मेरी डेयरी लगी हुई थी, मेरे सरसों से मालीबड़ की एकदम पीली थर्मिले टाइप में, पास में मोटी मोटे दानों की, काले दानों की बड़ी सरसों पड़ी, मैंने सोचा इससे और इसमें तो अंतर रहेगा 2000 रुपए का क्विंटल, और तेल की मात्रा चेक कराई ना, जो बड़े दाने वाली काली थी ना उसमें तो आया 37%, मेरी जैविक थी उसमें आया 43%, उसमें 700 रुपए तो मार्केट में ऑन मार्केट में तेज भी की मेरी। तो उनको पता है भाई जब प्राइवेट सेक्टर खोल रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में तो फिर वो मशीनें लग जाएगी, उनमें जो जेर की मात्रा है उस हिसाब से भावते होगा, तो हमारे वाले तो कोई लेगा ही नहीं। भारतीय फ्रूट्स, भारत का अनाज, भारत की सब्जियां बाहर विदेशों में ना जाती हैं, तो वो कहते हैं ये गंदगी कहाँ से लाओ, कचरा वापस ले जाओ, ये हालात हैं। और भाई मेरा भी मकसद यही है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने का कि जैविक खेती करें, किसान जो भी हैं खेती कर रहे हैं रासायनिक छोड़कर जैविक के ऊपर आ जाएं, खुद के लिए भी और बाकी सबके लिए भी। पहले अपना गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, ये 2-3 जिलों में जो नेरी बेल्ट है ना, और पंजाब के 5-4 जिले, इतने में कैंसर था। अब ऑल इंडिया में फैल गया, गुलानी बेल्ट में भी आपको फैल गया, सब जगह है कैंसर के मरीज। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि पंजाब और हरियाणा का 98% 95-98% गेहूं सरकार एफसीआई खरीद कर रही है, और वो गेहूं उचित मूल्य की दुकानों से मोदी जी ने फ्री कर रखा है, पूरे देश में बंट रहा है, वो कैंसर है। सबसे ज्यादा एमएसपी पर उधर से ही उठा रहे हैं सारा, उनका तो 95-98% यानी 100% ही उठ गया, वहाँ तो बचता ही नहीं है। पंजाब के सरदार तो यहाँ से आके गेहूं ले जाते हैं कि आप कितना ही डाल रहे हो ना, तो भी हमारे कोई आप वाला जैविक लग रहा है, हम तैयार कर रहे हैं, हमारे से खाया नहीं जाता, तो वो पूरे देश में बंट रहा है उचित मूल्य के मार्फत। वो कैंसर है, उससे लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं। बीकानेर में कैंसर हॉस्पिटल है बहुत बड़ा इस एरिया का, और उसमें मरीज देखेंगे ना तो इस एरिया से ज्यादा जाते हैं। कहीं भी आप चले जाओ, शायद ही कोई परिवार बचा हो जिनके कोई मरीज ना हो, है ना, और पूरे कितना महंगा इलाज है और बचता भी नहीं मरीज, नहीं बचता। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम सब अपने खाने में जो जहरीला खाना खाने से बच सकें।